मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप अच्छे से घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम ऑटोसोमल और एलोसोमल डिसऑर्डर के बारे में चर्चा करेंगे। क्या क्या इसमें अंतर है पहले समझ लीजिए। देखिए, मनुष्य के शरीर में टोटल 46 क्रोमोसोम है, जिसमें से 44 जो हैं ऑटोसोम हैं और दो जो हैं वो क्या हैं, सेक्स क्रोमोसोम, इनको एलोसोम बोलते हैं। टोटल मिला के हो जाते हैं हमारे 46। ठीक है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर में क्या होता है, इसमें जीन म्यूटेशन होता है। ये जो 44 क्रोमोसोम है, इनमें से किसी भी पेयर में जीन म्यूटेशन हो जाता है। 21 में हो सकता है, ठीक है, 18 में हो सकता है, 13 में हो सकता है, 5 में हो सकता है। तो ऑटोसोम में होने के कारण सेक्स क्रोमोसोम में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता। तो इस तरह का म्यूटेशन होने से ऑटोसोमल डिसऑर्डर होता है। सेकेंड है कि दे अफेक्ट द बोथ सेक्स, यानी मेल और फीमेल किसी में भी हो सकता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मेल है कि फीमेल, क्योंकि दोनों में ऑटोसोम ये तो बराबर ही होते हैं, मेल में भी फीमेल में भी। और इसमें जो पीड़ित होता है वो होमोजाइगस भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। और इसके एग्जाम्पल हैं डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया। अब बात करते हैं हम एलोसोमल या सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की। तो सबसे पहली चीज़ है कि ये जीन म्यूटेशन के द्वारा होते हैं, और ये जीन म्यूटेशन किस में होता है, एक्स क्रोमोसोम में अधिकतर होता है। यानी 99% जो है वो एक्स क्रोमोसोम इसमें पीड़ित रहता है। ठीक है, दूसरा है कि इसमें मेल ज़्यादा पीड़ित होते हैं। होता क्या है कि फीमेल के पास तो दो एक्स क्रोमोसोम है, तो यदि एक पर जीन उपस्थित है भी डिफेक्टेड या म्यूटेंट, तो दूसरा उसको दबा देता है, क्योंकि जनरली ये जो म्यूटेशन होते हैं ये रिसेसिव होते हैं। तीसरी चीज़ है कि द म्यूटेशन जीन इज रिसेसिव, है ना, जैसे हमने चर्चा की कि रिसेसिव होने के कारण महिलाएं इसकी कैरियर हो सकती हैं, लेकिन ये पीड़ित कम ही होती हैं। और इसमें जो एग्जांपल है इसके, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, है ना, इस तरह के ये सिंड्रोम जो है वो एलोसोमल डिसऑर्डर कहलाते हैं। तो हम ऑटोसोमल की यहाँ पर चर्चा कर रहे थे। ऑटोसोमल चार प्रकार के हो सकते हैं, ऑटोसोमल डिसऑर्डर। सबसे पहली चीज़ है ट्राइसोमी, फिर इसमें प्लस हो जाता है कोई भी क्रोमोसोम, ऑटोसोम जो है वो प्लस हो जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइक्रो डिलीशन, यानी अपनी जगह से थोड़ा सा मिसप्लेस हो जाएगा। और क्रोमोसोमल इंस्टेबिलिटी, यानी क्रोमोसोम अपना काम सही ढंग से नहीं कर पा रहा है। इस तरह से ये चार कारण ऑटोसोमल डिसऑर्डर के हो सकते हैं। सबसे पहली बात करते हैं हम ऑटोसोमल डिसऑर्डर में ट्राइसोमी। ट्राइसोमी इज अ टाइप ऑफ पॉलीसोमी, जिसमें कि क्रोमोसोम जो है थ्री हो जाते हैं। हमेशा 22 पेयर रहना चाहिए, लेकिन इसमें एक क्रोमोसोम कोई सा भी प्लस हो जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, ट्राइसोमी कहते हैं। और ट्राइसोमी एन्यूप्लॉयडी का एक एग्जांपल है। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, 44 ना रहकर ऑटोसोम कितने हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे, क्योंकि एक ट्राइसोमी हो गई है, एक बढ़ गया है। तो 44 तो ऑटोसोम रहेंगे ही, साथ में यदि वो फीमेल है तो XX, और यदि मेल है तो XY, ये कुछ भी हो सकता है। तो ये क्रोमोसोम बढ़ जाते हैं। इफ द क्रोमोसोम पेयर फेल टू सेपरेट प्रॉपरली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, कारण क्या है भाई, ट्राइसोमी क्यों हुई, सेल डिवीजन जो है म्यूसिस के दौरान पेयर फेल हो गया है। एग और स्पर्म में एंड अप विद ए सेकेंड कॉपी ऑफ वन ऑफ द क्रोमोसोम, एक और कॉपी स्पर्म या ओवा निर्माण के समय हो गई है, बढ़ गई है कॉपी, उसमें नॉन डिसजंक्शन हो गया, हटना चाहिए था लेकिन हटा नहीं, और वो साथ में एक क्रोमोसोम जुड़ गया, प्लस हो गया। इफ सच गैमिट रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन, इस समय जब फर्टिलाइजेशन होगा तो एम्ब्रियो के अंदर क्या होगा, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बढ़ जाएगा, दैट इज कॉल्ड ट्राइसोमी। होना चाहिए था डुप्लीकेट, दो होना चाहिए था डबल, लेकिन हो जाते हैं ट्रिपल, इसी को बोलते हैं ट्राइसोमी। जो ट्राइसोमी का एग्जाम्पल देख लीजिए, ट्राइसोमी के तीन एग्जाम्पल हैं। पहला है यदि क्रोमोसोम नंबर 21 में ट्राइसोमी होती है तो डाउन सिंड्रोम, 18th नंबर के ऑटोसोम में यदि ट्राइसोमी होती है तो ये हो जाएंगे एडवर्ड सिंड्रोम, और यदि 13th नंबर के क्रोमोसोम में ट्राइसोमी होती है तो ये पटाऊ सिंड्रोम। तो डाउन, एडवर्ड और पटाऊ, ये तीन एग्जाम्पल हैं ट्राइसोमी के। तो सबसे पहले हम देखते हैं, बात करते हैं ट्राइसोमी 13 की, जिसको हम क्या कहते हैं, पटाऊ सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, और 13 नंबर के क्रोमोसोम में ये ट्राइसोमी हो गई है, डबल हो गया है, यानी डबल से एक और प्लस हो गया है, और ये तीन हो गए हैं इस तरह से। ठीक है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, ऑटोसोम 45
फाइव प्लस दो क्रोमोसोम हो जाएंगे तो 47 हो जाएंगे। ट्राइसोमी के फीचर्स क्या क्या हैं? सबसे पहली चीज़ है इनमें अधिकतर क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन होता है, मानसिक कमजोरी, ठीक है। जन्म के समय वजन भी कम रहता है, डेवलपमेंट एबनॉर्मल होता है, कॉर्पस कैलोसम ब्रेन में इसका अभाव होता है, सेरिब्रम हाइपोप्लेशिया हो जाता है, फोरहेड जो है स्लोप ढालू टाइप का हो जाता है, डिफेक्टेड स्कैल्प हो जाएंगे, कानों का आकार भी गड़बड़ रहता है, रीनल ट्रैक्ट फेल्यूर हो जाता है, कंजनाइटल मतलब होता है जन्मजात हृदय रोग हो जाते हैं, माइक्रो एप्थेलमिया, बायलेटरल क्लेफ्ट लिप यानी होंठ जो है बीच में से कट सकते हैं। इस तरह के ये जो है सिम्टम्स जो हैं पटाऊ सिंड्रोम के हैं। एग्जांपल आप देख लीजिए डायग्राम सामने, ये जो क्रोमोसोम थे डबल होना चाहिए थे, यहाँ पर क्या हो गया, डबल ना होकर क्या होगा, ये ट्रिपल हो गए, और ये इसके सिम्टम्स हैं, है ना। ये जो क्लेफ्ट जो है यहाँ से कट जाता है, कान एबनॉर्मल रहते हैं, ये पटाऊ सिंड्रोम का एग्जाम्पल है 13th क्रोमोसोम की ट्राइसोमी के कारण। ये पटाई सोमी का दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है। हेड जो रहेगा उसमें स्मॉल रहता है, आईब्रो एब्सेंट हो सकती हैं, लिप जो है वो क्लैप्ट हो सकता है, कान एबनॉर्मल हो सकते हैं, और हैंड जो है वो क्लीन शीट, ठीक है। इस तरह की ये डायग्राम किसका है, पटाऊ सिंड्रोम का। अब बात करते हैं हम क्रोमोसोमल नंबर 18th की ट्राइसोमी, इसको एडवर्ड सिंड्रोम कहा जाता है। ये भी इसमें जॉन एच एडवर्ड ने इसकी खोज की थी, इसलिए इनका बीमारी का नाम एडवर्ड सिंड्रोम पड़ा है। एडवर्ड ये बीमार व्यक्ति का नाम नहीं था, ये वैज्ञानिक का नाम था जिसके कारण ये एडवर्ड सिंड्रोम पड़ा है। और ये इसमें भी क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाते हैं, 47। टोटल क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 47। ये एडवर्ड सिंड्रोम में 18वें नंबर के ऑटोसोम की ट्राइसोमी हो गई। ये सब देखिए दो दो हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, ये तीन हो गया, इसलिए ये डिफेक्टेड हो गया, ठीक है। तो ये एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम के फीचर्स क्या क्या हैं, लगभग फीचर्स पटाऊ सिंड्रोम जैसे ही रहेंगे, मेंटल डिफिशियंसी, ग्रोथ रिटार्डेशन, एलोंगेटेड हेड, बेबिड नेक, शॉर्ट स्टर्नम, माइक्रोग्नेथिया, लो सेट मालफॉर्म ईयर, वर्टिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, रीनल एनामोलीज, क्लिंचेड फिस्ट और हाइपोप्लास्टिक नेल, इस तरह के ये सिम्टम्स एडवर्ड सिंड्रोम के रहते हैं। ये इसके एग्जाम्पल हैं, आप देख लीजिए ध्यान से, माउथ छोटा रहेगा, सील्ड चेस्ट रहेगा, ठीक है, और हाथ और कानों के आकार इस तरह के ये डिफेक्ट आ जाते हैं। अब बात करते हैं 21st क्रोमोसोम डाउन सिंड्रोम की ट्राइसोमी की। डाउन सिंड्रोम ध्यान रखिए 21st क्रोमोसोम जब डबल हो ना होकर जब तीन क्रोमोसोम एक साथ हो जाते हैं तो ये डाउन सिंड्रोम कहलाता है। ये भी एक वैज्ञानिक थे, फिजिशियन डाउन, इनके कारण इस बीमारी का नाम डाउन सिंड्रोम पड़ा, इन्होंने इसकी खोज की थी। इसमें भी क्रोमोसोम नंबर जो है टोटल कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे, 45 प्लस 2 एक्स और वाई या एक्स और एक्स क्रोमोसोम, इस तरह से ये डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम्स के क्या क्या फीचर्स रहते हैं, लगभग वही सेम है, शॉर्ट हाइट है, सीवियर मेंटल डिफिशियंसी है, आईक्यू लेवल बहुत कम होता है, ब्रेकियो से फैली रहती है, फ्लैट फेस, फ्लैट एंड लो नेजल ब्रिज, अबार्ड सिलेंट टू प्लीपेयर फिसर, माल फॉर्म लार्ज ईयर, बड़े बड़े कान रहते हैं जो कि प्रॉपर काम नहीं करते, रीनल एबनॉर्मली रहती है, आयरिस नीले रंग की सी रहती है, ठीक है। और इस तरह से ये इनकी टंग जो है, चूँकि चेहरा छोटा है तो जीभ बाहर निकली हुई रहती है, ठीक है, ये डिसऑर्डर है। ये आपके 21st क्रोमोसोम में तीन हो गए हैं, ये डिसऑर्डर, ये कहलाता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम की एग्जांपल ये देख लीजिए आप, ग्रोथ फेल्यूअर, मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, एबनॉर्मल ईयर, लूप्स ऑन पाम क्रीज, स्किन रिज, यूनिलैटरल और बाइलैटरल एब्सेंस ऑफ रिब, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज, अम्बिलिकल हर्निया, कुंडी जो है वो बाहर निकली रहती है, एबनॉर्मल पेल्विस, ब्रॉड फेस रहता है, छोटा सा चेहरा है, जीभ बड़ी रहती है इसलिए जीभ बाहर निकली रहती है, ब्रॉड हैंड्स रहते हैं, स्मॉल आर्चेड पैलेट, बिग रिंकल टंग और कंजनाइटल हार्ट डिसीज, हमेशा जन्मजात ये हृदय रोग से पीड़ित रहते हैं, ठीक है। डाउन सिंड्रोम की ये और सिम्टम्स देख लीजिए आप। ऑटोसोमल डिलीशन में क्या होता है, जैसे आपने देखा ट्राइसोमी में एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, डिलीशन में क्या होता है, एक क्रोमोसोम जो है वो
कम हो जाता है। डिलीशन एनोमली जो है ये इन्वॉल्व मिसिंग मटेरियल कमी होने के कारण होने वाली ये बीमारी है। तो इसमें आप देखेंगे ऑटोसोमल डिलीशन की जो बीमारियां हैं उसके एग्जांपल आप देखेंगे, मोस्ट कॉमन एग्जांपल वोल्फ रिस्कॉर्न सिंड्रोम, क्राइडू चैट सिंड्रोम और लेंगर ग्रेडियोन सिंड्रोम, ये इसके एग्जांपल हैं डिलीशन में। तो वोल्फ रिस्कॉर्न सिंड्रोम के ये आप डायग्राम देख लीजिए, ये इस तरह की ये फोटो है। ये किसके कारण होता है? ये एक आर्म जो है क्रोमोसोम नंबर 4 की एक आर्म जो है डिलीट हो जाती है, इसके कारण वोल्फ रिस्कॉर्न सिंड्रोम आ जाता है। ठीक है, क्या क्या फीचर्स हैं इसके? शॉर्ट फिलेट्रम, इम्यूनोडिफिशेंसी यानी बीमारी से लड़ने की शक्ति बहुत कम हो जाती है, हेड साइड छोटा रहता है, इसको माइक्रोसेफेली कहते हैं। ठीक है, इसके बाद मसल्स हाइपोटोनिया, रीनल एनोमलीज और डीपनेस मतलब सुनाई देने में थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है। क्राइडू चैट सिंड्रोम का फोटो आप देख रहे हैं सामने, क्राइडू चैट सिंड्रोम जो है वो 5 नंबर के क्रोमोसोम में त्रुटि होने के कारण होती है, 5 नंबर का क्रोमोसोम जो डिलीट हो जाता है उसमें एक हिस्सा, और ये बच्चा जो है वो कैट के जैसे बिल्ली के जैसे म्याऊं म्याऊं करके ये रोता है बचपन में, तो इसको क्राइडू चैट सिंड्रोम कहते हैं। तो ये वाला हिस्सा जो है वो पूरा का पूरा डिलीट हो गया, 5th पेयर का एक हिस्सा डिलीट हो गया। फीचर्स क्या क्या हैं? एक्सेसिव ड्रूलिंग, बिहेवियरल प्रॉब्लम, मेंटल रिटार्डेशन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कार्डियक एबनॉर्मलिटीज, एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ लैरिंग्स, इसके कारण आवाज़ जो है वो बिल्ली के रोने जैसी आती है। थैंक यू, आशा है आप आराम से पढ़ते रहेंगे और चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, है ना। थैंक यू।